चतुर्थ पुरस्कार लेने के लिए आप आ जाएंगे मंच के आगे। अशोक पुराण कुजियामा नहीं हम नहीं लिया, नहीं लिया अशोक पुराण कुजियामा ले। तो कहीं आदमी मिल मुला के तीन चार जन में लिया है। हां है जो जैसी भीड़ है कौन बेटा। चले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सम्मानित करने के लिए आग्रह करूंगा हमारे भोलानाथ मुंडा जी को, आयोजक कमेटी के पदाधिकारी आप आएंगे और द्वितीय पुरस्कार के हकदार भरत पुराण कुजियामा, चलिए आपका भी स्वागत है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा द्वितीय प्राइज के हकदार को सम्मानित करेंगे मंगल तृतीय पुरस्कार के हकदार को सम्मानित करेंगे भरत पुराण कुजियामा को मंगल सिंह मुंडा जी आप आएंगे और जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द्वितीय पुरस्कार साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आशा खेल में परचम लहराने वाले सर्व शिरोमणि खिलाड़ी रहे देवीलाल मुंडा माझी जी, आपका स्वागत है। चलिए जोरदार ताली के साथ एक बार स्वागत करेंगे देवीलाल मुंडा जी का और उनको सम्मानित करने के लिए हमारे शोकलाल मुंडा जी सुबह आ गए। धीरे धीरे प्राइज वितरण, बहुत सारा प्राइज देना पड़ा, मुर्गा प्राइज अट्ठा और फुटबॉल की ओर चलते हैं। इसके बाद कौन बनेगा विजेता, किसके गले में चुभेगी विजय सिरे के माला, किसी को पड़ेगा हार तो किसी को पड़ेगा गाज। लेकिन यह नहीं, यहाँ पर अगर बात करेंगे दोनों टीम विजेता या उपजेता, विजेता टीम को अमृतगढ़ वर्तमान में जो कॉमेंटेटर है अमृतगढ़ मैनेजमेंट जानता है बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले टोनी भाई बहुत बेस बहुत सुंदर रूप में हमारे घर आज कर जनता एक दिवस जनता खेल हो गए उठाकर पर बहुत भूमिका है। तो हमारे पर्सनल रूप लग चाहे सार्वजनिक रूप लग तो बहुत बहुत तोर आभार है। तो बहुत बस हमारे घर आज संचालन कर ले उठाकर खातर हमें पूरा इन एरिया के चाहे इन समिति में चाहे कमिटी में हमें तो के बहुत बहुत धन्यवाद देती। मेरे को आमंत्रित किया गया वनडे टूर्नामेंट में, कहीं ना कहीं एक दिवसीय टूर्नामेंट में बहुत सारे जगह में इस आवाज को सुन रहे दर्शक, आप सबों का दिन है, आप सबों का बेटा हूं मैं। निश्चित तौर पे जब भी मौका मिले आप लोग इस प्रकार के प्रोग्राम करते रहे। कोई दादा से अभी भी टेलीफोन से उस दादा से परिचय नहीं हो, लेकिन मैं बात भी किया था कि दादा तौर पर से समय आए तो जरूर दादा हम जरूर आएंगे। तो चलिए मैं पूरे आयोजक कमेटी को धन्यवाद कहूंगा, तमाम ग्राम प्रधान मुखिया और इस मंच में मंचासीन सभी को मैं तहे दिल से नमन। मेरे से ऋणी नहीं, मैं आप लोग से ऋणी रहूंगा जो कि इस जगह को मैंने पहली बार इस मंच में कमेंट्री करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे घर आज कर सभा के आज कर आयोजन का जनता आज सभा रहे तो इज्जत रखना अमृतगढ़ बिटमन समय देखो अपन कमती समय देखो वो कर लो बहुत कमती समय दे लो बहुत बहुत तो के दोनों हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई बिक्की करे प्लेटिक शोटाउट फाइनल मुकाबला खेल रहे ये जो मैच है विकास ब्रदर्स वर्सेस से अरुण स्टील पौंडित्री और बहुत सारे दर्शक मैदान में आ गए हैं। काफी दर्शक का भी इच्छुक है, इच्छा है कि कौन सा टीम को आज पार्टिसिपेट किया है। किसी का कहना है कि अरुण स्टील फाइनल में पहुंचे विजेता रहे, तो किसी का सोच है कि भाई यहां पर विकास ब्रदर्स पहुंचे। तो इसलिए दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बेहतरीन मैच खेले। आज कौन सा टीम इसके हीरो रहेंगे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हेलो, सिस्टम पूरा बोलता है, आई होप सिर्फ बोलता मत बहुत दिनों में बोलता।
आज के सर्वश्रेष्ठ टीम ने यहाँ पर कौन सा आज की जीत पर आज के इतिहास के पन्ने में नाम लिखा है, तो चलिए दोनों टीमों का जो यह बेहतरीन मुकाबला चल रहा है फुटबॉल का पार्ट से बढ़िया नेट घुसाकर चुमागत सफल रहे। ट्राइब गेगर प्लांटिंग शूट आउट के जरिए अब निर्णय लिया जा रहा है। शहर से मुंडा जी तिरिल जी कमेटी परिवार के सदस्य आप जा गए भी हैं, आप कृपया हमारे मंच में आएंगे। ज्योति जी टर्नमेंट खेल जिला तेरा ज्योति जल्दी से जल्दी आ पा रहे तेरे जाने तारे जिला के खत्म करा है ना मास दारे भोजा में जो बंद करा है बार धीरे धीरे बंद कर दे आ रहा है खान दारे मास गिला है बंद है ज्यादा अगर दारू पी लेते हैं तो भाई यही रुकना पड़ेगा ऐसा नहीं, इसलिए एक नशा पियो मगर होश मत पियो, इस प्रकार से आप एंजॉय कर सकते हैं बेहिचक पूरा पूरी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं मेला परिसर में। धन्यवाद। ट्राइब गेगर प्लांटिंग शॉट आउट के जरिए निर्णय लिया जा रहा है आज के सर्व शिरोमणि टीम कौन सा टीम रहेंगे। दिनेश का थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, दर्शकों का जितना भी तारीफ करें कम होगा क्योंकि किसी के पास टिकट तक नहीं है, फिर भी इस कड़कड़ाती ठंड में पॉलिटिक्स शूट आउट का नजारा देख रहे हैं। और हमारे चित परिचित दर्शकों को कहूँ कमेटी परिवार भूलेगा नहीं और आने वाला समय में भी यहाँ पर पहली घोषणा कर दी गई है कि आने वाला साल यहाँ पर लाइट का खेल का आयोजन किया जाएगा। जीत का फैसला